हेलो दोस्तों, मेरा नाम जदव प्रधान, पीएम केयर फंड में पेटीएम से किस प्रकार हम पैसा देते हैं उसी के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, चलते हैं अभी पेटीएम और पेटीएम खुलेंगे। अभी मैं पेटीएम खुल के इस प्रकार पीएम केयर फंड में दान देते हैं वो बताऊंगा। देखिए, मैं पेटीएम ओपन कर रहा हूँ। पेटीएम ओपन होने के बाद हम इसको लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर दे करके। ठीक है दोस्त, मैं लॉगिन कर दिया, ये मोबाइल नंबर डाल दिया मैं, इसके बाद पासवर्ड मेरा डालूँगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद ये देखिए लिखा है यहाँ पीएम केयर फंड, ऊपर ये है ना, ये मिल रहा अशोक स्तंभ है, उसमें क्लिक करेंगे। ये क्लिक होने के बाद यहाँ आप नीचे नीचे क्लिक करेंगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर में। यहाँ पीएम केयर फंड लिखा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नेम, मान लीजिए मेरा नाम लिख दूंगा। ठीक है, जाता हूँ, और यहाँ मेरा पैन कार्ड नंबर लिख दूंगा। ठीक है दोस्त, और यहाँ 21 रुपया डाल दूंगा, इसे क्लिक करके प्रोसीड में क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड होने के बाद यहाँ देखिए आप कितना रुपया दे रहे हैं, और ये 21 रुपया दे रहा बता रहा है, और यहाँ ठीक चिन्ह है ना, वहाँ पेटीएम बैलेंस मेरा 205 रुपया है ना, उसी में इसके नीचे लिखा है पे 21। ऐसे पेटीएम से भी आप वो दे सकते हैं, अगर पेटीएम से नहीं देंगे तो आप इसको पे कर देंगे, टिक चिन्ह को हटा देंगे, और डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, भीम यूपीआई से और नेट बैंकिंग से दे सकते हैं। मैं पैसा दिया है इसलिए मैं अभी नहीं दूंगा आपको, दिखाने के लिए मैं बता रहा था। मैं बैक करता हूँ और बताता हूँ मैं कितना रुपया पैसा दिया है और दिखाऊंगा। ऐसे पीएम केयर फंड में पैसा देने से लॉकडाउन के दौरान किसी गरीब आदमी का भला होगा, इसलिए आप ही देंगे तो अच्छा होगा, आपका पुण्य होगा। ठीक है दोस्त, इसलिए दान करने से पुण्य भी होता है, इसलिए कभी दान करने के लिए हिचकिचाना नहीं है।
लॉकडाउन में अभी बहुत आदमी को खाना नहीं मिल रहा है, अगर आप दान दे करके खाना देंगे कितना पुण्य होगा। मेरा भी पैसा नहीं था, अब देखा है 205 रुपया था, 205 रुपया से मैं टोटल कितना रुपया था मेरा 205 205 प्लस 21 रुपया था, टोटल मेरा 226 रुपया था, उनमें से मैं 21 रुपया दान दिया, तो कितना रहा 205 रुपया रहा ना, मैं दान दिया। फिर हमारा जैसे गरीब आदमी को 1-2 रुपया के वजह से बदली, हम लोग अगर 20-30 रुपया 35 रुपया दान करेंगे तो उसमें और हमारा जैसे गरीब आदमी का पुण्य होता है, इसलिए आप लोग भी दान करें। दूसरा, वो भी तो हमारा भाई है ना, अगर हम दिया अब भी ऐसे 10-20 रुपया देंगे तो महान पुण्य कर्म ही आपको मिलेगा और आपका भाग्य भी आगे ऐसे अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी दान करने में हिचकिचाना नहीं। अभी लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, रोजी रोटी कमा के खाने वाले उनको खाना नहीं मिल रहा है, एक रोटी नहीं मिल रहा है। अभी दिल्ली का CM भी इतना मेहनत करके मजदूरी लोग को खिला रहे हैं और बहुत आदमी अभी कलाकार आदमी दान दे रहे हैं। हमारा जैसे गरीब आदमी तो 11 रुपया, कोई तो 21 रुपया, कोई तो 51 रुपया, 100 रुपया, 1 रुपया भी आप दान दे करके दे सकते हैं। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत बोलो कि नहीं दूंगा, ऐसे देने बहुत पुण्य होता है दोस्त। ठीक है, मैं दिया है देखो ये मैं 21 रुपया दिया है, पेमेंट किया था, ये देख ये सक्सेसफुल दिखा रहा है, ये देखा सकता हूँ मैं, ये कंट्रीब्यूशन सक्सेसफुल टू PM केयर फंड में दिया है मैं, वो ये ट्वीट भी करके मैं बता दिया PM मोदी को, इस तरह अब देंगे तो पुण्य होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर दबा देना और शेयर भी करना। धन्यवाद।